जो मेरा नहीं हो सका उसे किसी और का होने का मौका नहीं दूंगी। Hey everyone, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ एंड उससे पहले मैंने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है पर्पल का प्राइमर ताकि मेरा जो फाउंडेशन है उसके साथ कोई केकीनेस ना आए एंड मेरे जो पोर्स है वो ब्लर आउट हो जाए। देन आई एम यूजिंग NYX का टोटल कंट्रोल लिक्विड फाउंडेशन एंड आई एम लाइक टोटली लविंग दिस प्रोडक्ट। एंड ये प्रोडक्ट के साथ आपको किसी भी कॉम्पैक्ट की ज़रूरत नहीं है इसको सेट करने के लिए बिकॉज ये अपने आप ही आपकी स्किन में इतना अच्छे से मर्ज हो जाएगा आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट की। एंड ये फुल मीडियम टू फुल कवरेज आपको प्रोवाइड करेगा बिकॉज ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसी आपको कवरेज चाहिए और कितना प्रोडक्ट आप लगा रहे हो। देन आई एम यूजिंग LA Pro HD कंसीलर्स एंड डार्क शेड के साथ मैं कंटूरिंग कर लूंगी अपनी नोज की, अपनी चीक बोन्स की, जॉ एरिया की एंड फोरहेड की। एंड उसके बाद मैं इसके ही लाइटर शेड के साथ हाइलाइटिंग कर लूंगी। एंड मैं अप्लाई करूंगी इस लाइटर शेड को ब्रिज ऑफ द नोज अपनी फोरहेड पे, चिन पे, अपनी अंडर आई एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी एंड इसको मैं फिर कर लूंगी ब्लेंड आईलिड्स के ऊपर एंड अपनी आईब्राउज के बोन पे ताकि एक क्लियर एंड फिनिशिंग वाली लुक आए। एंड नाउ आई एम यूजिंग लैक्मे 925 लूज पाउडर ताकि जो मैंने कंसीलर लगाया है उसको सेट करने के लिए कोई क्रीजेस ना आए। थोड़ा सा ये वाइटर सा लग रहा है बट आफ्टर सम टाइम ये सेट हो जाएगा मेरे फेस के ऊपर एंड मैं इसको डस्ट ऑफ कर दूंगी। अब मैं यूज कर रही हूँ अपने आईब्रोज को सेट करने के लिए वेट एंड वाइल्ड की माई ऑल टाइम फेवरेट आईब्रो पेंसिल एंड अपने स्पार्स एरिया को फिल कर लूंगी एंड स्पूली के साथ कॉम कर लूंगी। एंड उसके बाद मैं अच्छे से फिर से लाइटर शेड लेके कंसीलर से हाईलाइट कर लूंगी एंड फिनिश कर लूंगी, क्लीन कर लूंगी अपनी आईब्राउज को। मैं जितना भी एक्सेस पाउडर उसको डस्ट ऑफ कर दिया है मैंने एंड अभी मैंने NYX की जंबो कैट आई पेंसिल के साथ जो काजल है उसके साथ मैंने आई शेडो ड्रॉ कर लिया है उसके साथ ब्लेंड कर लिया है वेट एंड वाइल्ड की फ्लैट आईब्रो आई शेडो ब्रश के साथ। अभी मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ही आई शेडो ब्रश, फ्लफी ब्रश एंड जो मैंने ये आई शेडो किट लिया है दिस इज फ्रॉम निका के, ये पॉइजन एप्पल रेंज है एंड ये क्वार्टेड पैलेट है। यू कैन सी इसमें कितने अच्छे 9 शेड्स हैं एंड इसी के ही फॉइल जो शेड है ना जिसमें इसको फॉइल आई शेडो बोलते हैं ना जिसको मैंने सेंटर ऑफ द लिड पे अप्लाई कर लिया है
दिस इज वेरी नाइस रेडिश मरूनिश सा शेड है ये। पहले मैंने लिया था जो मैट आई शेडो, उसके साथ मैंने क्रीज डेवलप की अपनी एंड ब्लेंडिंग की, उसके बाद मैं अपनी फाइल आई शेडो के साथ सेंटर ऑफ द लिड पे अप्लाई कर लिया है। इसको मैं फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज ब्रश से इसकी अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है और फिंगर के साथ काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये। मैं रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट से, मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट से मैंने डार्क शेड लिया है ब्लैक, जिसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे एंड आउटर कॉर्नर्स पे आउटर वी पे अप्लाई कर लूंगी। अगेन स्मोकी लुक लाइक क्रिएट कर लूंगी जिससे और भी इंटेंस लगे आई। और ऐसे ये वाली ट्रिक के साथ ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है बट बहुत ईजिली ही आई शेडो सॉरी आई मेकअप क्रिएट हो जाता है। एंड फिर से मैंने फ्लफी ब्रश से ब्लेंडिंग कर लिया, मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया। एंड इसी आई शेडो में से, सेम ब्लैक आई शेडो से मैं अपनी वाटर लाइन पे ड्रॉ कर लूंगी। अभी मैं सेम शेड लेके एंगुलर ब्रश के साथ जो मैरूनिश शेड था उसके साथ ही मैं अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर अप्लाई कर लूंगी। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ पर्पल का स्मोकी डोकी काजल, ये भी बहुत अच्छा स्मोकी काजल है एंड ब्लैक है एंड इंटेंस ब्लैक है, एक्चुअली स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, तो काफी अच्छा काजल है ये वाला। इसके बाद मैं अपनी कर लूंगी आई लैशेज को कर्ल, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आई लैश रिनेक्ड मस्कारा। एंड इसका जो ब्रश है ना वो बहुत अच्छा है, लाइक आपकी जो लोअर लैशेज होते हैं ना उनको भी काफी अच्छे से कॉम कर देता है जो इसका ब्रश है। आई लाइक दिस प्रोडक्ट एंड नाउ आई एम लाइक मैंने अपनी फॉल्सेज अप्लाई कर ली है एंड अभी मैं स्टेक वर्की का ब्लैक आई लाइनर है उसे अप्लाई कर रही हूँ। इसका जो ब्रश है, अगेन जो प्रोडक्ट होते हैं ना आईज के लिए तो ब्रशेज काफ़ी मायने रखते हैं, तो जो इसका ब्रश है वो बहुत थिन है, तो कितना भी थिन आप इसके साथ आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज मुझे काफ़ी थिक आईलाइनर नहीं चाहिए था। इसके बाद मैं ब्राउजिंग कर लूँगी फेस की NYX के मैट ब्राउजर के साथ। और मुझे ना फील हुआ कि मैंने थोड़ा कम प्रोडक्ट लिया, इसी की वजह से आपको इतना क्लियरली नहीं दिख रहा बट इट्स नाइस प्रोडक्ट। और ये मैट है, बिल्कुल भी आपके फेस के ऊपर कोई शाइन नहीं आती, बिल्कुल नेचुरल फिनिश देता है। एंड नाउ आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का ही जो ब्लशर है, एक्चुअली ये 2-in-1 प्रोडक्ट है तो इसमें हाइलाइटर भी है एंड ब्लशिंग भी आपकी कर देता है ये। सेम ही हाइलाइटर के साथ ही मैं अपने ब्राउ बोन पे एंड अपनी इनर कॉर्नर पे थोड़ी सी हाइलाइटिंग कर लूंगी बिकॉज ये काफी अच्छा गोल्डन सा शेड है इसका और इसमें कोई क्या बोलते हैं उसको स्पार्कली पार्टिकल नहीं है तो ये ब्लेंड हो जाता है अच्छे से, बड़ी नेचुरल सी शाइन देता है। एंड अपनी फिंगर से मैं अप्लाई कर लूंगी अपने इनर कॉर्नर पे। Now I'm using blusher. This is from Moda. Moda blusher. ये एक brown सा shade है, काफी अच्छा है, ये भी natural finish देता है। Now I'm using Miss Clear lip liner in shade, I think purple सा wine सा shade है इस lip liner का। And इसके साथ मैंने जो lipstick team up की है वो है पर्पल की HD लिपस्टिक, पर्पल ही शेड है उसमें। एंड इन सभी HD लिपस्टिक्स के मैंने अलग से स्वाचेस एंड रिव्यू शेयर किया है, वो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। और ये लिपस्टिक्स काफी लॉन्ग स्टे करती है
और मैंने एक काइंड ऑफ ओम्ब्रे लिप्स कोशिश की है मैंने. सो अभी मैंने क्या किया है, फुल लिप्स के ऊपर लिपस्टिक अप्लाई नहीं की, ओनली सेंटर में लिपस्टिक अप्लाई की है एंड फिंगर के साथ अपनी ब्लेंड कर ली है ताकि एक ओम्ब्रे लुक क्रिएट हो सके. सो दिस इज द फाइनल लुक. आईज की आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्लेंडेड लुक आई है और देखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगा होगा, बट यू कैन सी पहले मैंने हेयर लूज कर लिए, फिर मैंने पोनीटेल के साथ इसको ट्राई किया एंड यू कैन सी द कंप्लीटेड लुक. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में.